हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका बेंजोइक एसिड का पार्ट टू वीडियो है। इसमें आपको आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें पहला नंबर रासायनिक गुण में आता है दहन। हालांकि पिछले जितने भी वीडियो है उसमें हम आपको दहन आक्सीकरण अपचयन बता चुके हैं। यहां पर दहन जब इसका करेगा, दहन करने में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, टॉपिक जो चल रहा होता है उसका अगर हमें दहन कर रहा हो तो दहन करने के लिए हमेशा हम O2 का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस का। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है, निश्चित होता है, जिसको हम CO2 और H2O के नाम से जानते हैं। ये तो मान लो कॉन्सेप्ट हो गया। रही बात वैलेंसी की, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6 और 1 7, यहां 7 का मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, कितने मल्टीप्लाई होगा, 3 का, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लीजिए स्टूडेंट्स, 7 दूनी 14, 14 3 17, यहां डबल ऑक्सीजन है। अब यहां पे हम कितने का मल्टीप्लाई, मतलब दो इसको हमने काउंट कर लिया, अब यहां पे हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 17 ऑक्सीजन बन जाए, 17 बन जाए। तो यहां पर तो दो है, अब कितने बचे, 15। यदि हम 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, 7.5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगी और रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन आपने कभी भी 7.5, 6.5, 3.5 कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर 2 का गुणा करेंगे, 7.5 वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, 7.5 का दुगना होता है 15, या 7 का दुगना होता है 14, और 3 का दुगना होता है 6। अब चेक कर ले पहले सही नहीं, यहां पर 6 दुनी 6 और 1 7 दुनी 14 है, 14 सी, 5 और 1 6, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 है, ऑक्सीजन 2 यहां है, 2 दुनी 4, 15 दुनी 30, 30 4 34, 14 गुणा 2 से करेंगे 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, रिएक्शन हो गई बैलेंस। दूसरी रिएक्शन आपकी है ऑक्सीकरण। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें हम बेंजोइक एसिड फिर से लेंगे, टॉपिक बेंजोइक एसिड चल रहा है तो यही लेंगे, और इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन द्वारा। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाई चेन रिएक्शन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट होती है, CO2 और H2O में ही कन्वर्ट होती है। अब यहां पर रही बात बैलेंसिंग की, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन फिर से 7 है, यहां 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 6, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन यहां 17 हो रहा है, यहां सिंगल हो है, 2 की व्यवस्था हो रही है, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 हो जाए, सीधा 15, 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 में 2 हो एड करेंगे तो 17 हो, मतलब 17 हो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन आपकी। इसके बाद में तीसरी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपचयन। अपचयन में रिएक्शन जो है बैक होती है, चेन रिएक्शन बैक होती है। यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड लेंगे और इसका डबल एच से अपचयन करवाएंगे तो पक्का है इसके 2H और 1O मिलके H2O बनेगा और रिएक्शन हो जाएगी बैक, तो क्या बन जाएगा, C6H5CHO बन गया बेंजल्डिहाइड। चौथी रिएक्शन हम लोग स्टूडेंट सोडियम से कर सकते हैं, सोडियम से क्रिया। सोडियम सब लोग जानते हो क्या होता है, सोडियम होता है Na, सोडियम एक धातु है। जैसे ही बेंजोइक एसिड सोडियम से क्रिया करेगा तो 100% आपको बता दे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर सिंगल एच है, 2H के लिए यहां आपको 2 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहां से 2H लास्ट से निकलेगा और यहां पर इसके प्लेस में Na आ जाएगा, बन जाएगा 2C6H5COO, यानी जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। इसी तरीके स्टूडेंट्स हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स क्या होता है, NaOH, अगर हम NaOH से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनेगा और H2O निकलेगा, C6H5COOH। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि H और OH की व्यवस्था हो जाए तो H और OH से पक्का H2O निकलता है, कोई रोक नहीं सकता। तो बनने वाला प्रोडक्ट फिर से है सोडियम बेंजोएट। इसी तरीके स्टूडेंट्स आपकी हैलोजनीकरण क्रिया, जिसको मैं ऊपर से बताता हूं,
हाँ स्टूडेंट, जिसमें सोडियम से अगर क्रिया कर रहे थे तो यहाँ पे डबल एन ए हो रहा है, यहाँ पे हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको मैं हैलोजनी कण क्रिया यहाँ से बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हैलोजनी कण क्रिया में हम फिशियल 3 फिशियल 5 एसोसिएटेड टू थायमिन क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है पिछले रिएक्शन में बता चुके हैं निश्चित होता है। हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड लेंगे C6H5COOH। जैसे ही हम फिशियल 3 से रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट है H3PO3। दिस इज डेफिनेट प्रोडक्ट। यहाँ पर तीन OH की व्यवस्था हो रही है, तीन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंगल P चलेगा, बचेगा यहाँ पे 3C6H5COCl जिसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। इसी तरीके स्टूडेंट्स, हम पीसीएल 5 से रिएक्शन कराएंगे और पीसीएल 5 में भी प्रोडक्ट निश्चित है, कोई नई रिएक्शन नहीं है, पिछले टॉपिक में बताई जा चुकी है, पिछला वीडियो आप देखिए डिटेल से बताया गया है। POCl3+HCl यहाँ पक्का निकलता है, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ से पी गया, ओ गया, 3Cl, HCl के साथ में निकला 4Cl, 1Cl, C6H5CO बचेगा तो बन जाएगा C6H5COCl। दिस इज आल्सो बेंजोइल क्लोराइड। इसके बाद में हम लोग थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, ये भी हैलोजनी कण क्रिया में ही आती है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट निश्चित है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस निकलना, और यहाँ पर भी यही बनेगा आपका C6H5COCl। दिस इज हैलोजनी कण रिएक्शन। अब हम करवाएंगे इसके बाद में एस्टरीकरण। स्टूडेंट, एस्टरीकरण मैंने पिछले टॉपिक बताया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहलिक समूह से होती है तो उस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, C6H5COOH+C2H5OH, यहां पर हाइड्रेशन होगा, H2O निकलेगा और बनने वाला प्रोडक्ट आपका बचेगा C6H5COOC2H5 जिसको बोलेंगे एथिल बेंजोएट। क्या बोलेंगे, एथिल बेंजोएट। दिस इज एस्टरीकरण रिएक्शन। इसी कारण एसिलीकरण आप करवा सकते हो C3COCl लेकर के। स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसमें स्मिट अभिक्रिया भी करवा सकते हो। स्मिट अभिक्रिया स्टूडेंट्स बहुत ही फेमस रिएक्शन है। हम लोग यहाँ पे N3H लेते हैं। N3H का काम होता है CO2 और N2 गैस निकाल देना। CO2 और N2 गैस जब निकल जाएगी तो यहाँ बचेगा C6H5NH2। दिस इज एनिलीन। अब स्टूडेंट इस अभिक्रिया का नाम क्या, तो लिखे देना है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। रही बात स्टूडेंट्स उपयोगों की, तो उपयोग आपको आते हैं प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, या फिर फेनिलएमीन या एनिलीन के निर्माण में। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें। धन्यवाद।